क्रिप्टो के दुनिया में आपका स्वागत है। क्रिप्टो इतिहास में एक बड़ा धमाका, एक बड़ा चमत्कार, एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसका कभी भी किसी ने विचार तक नहीं किया होगा। ये सारा करने जा रहा है कोर डाओ। जी हाँ, और मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो राज आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया कोर डाओ के बारे में। वो राज सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, जो अभी तक किसी को नहीं पता है। जी हाँ, वो राज मैं छिपा के रखा हूँ। मैं आपको कल के वीडियो में वो राज खोलने वाला हूँ, आज नहीं कल बताऊँगा। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक वीडियो को थोड़ा भी विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर आपने स्किप किया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक्सचेंज से। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं और उसमें से सबसे टॉप पे बैठा है हमारा बाइनांस। लेकिन बाइनांस के नीचे भी बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जिनकी ट्रेडिंग वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सचेंज की, तो मैंने 4 से 5 एक्सचेंज को लेकर के अभी अपडेट में बताया था कि यहाँ पे कोर डाओ उसको लिस्ट कोर डाओ को लिस्ट करने के लिए लोग पहले से ही तैयार हैं। देखा जाए तो अभी रिसेंटली में 2 यहाँ पे एक्सचेंज और आया है जिसका नाम है Gate.io। Gate.io भी एक क्रिप्टो, एक बड़ा क्रिप्टो का एक्सचेंज है जो कि हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे इस कोर डाओ को लिस्ट करने जा रहा है। और दोस्तों Gate.io की बात तो हम कर ही लिए हैं। दोस्तों फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हुबी एक्सचेंज, गाइज हुबी एक्सचेंज यहाँ पे कोर डाओ को लिस्ट करने के लिए बिल्कुल पहले से ही तैयार है। और इसको यहाँ पे कोर डाओ ने भी इसको ट्यूट यानी कि रीट्यूट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीट्यूट कोर डाओ ने खुद यहाँ पे जो कि होबी को कर चुका है, होबी ग्लोबल को। तो होबी भी एक क्रिप्टो वर्ल्ड में बड़ा एक्सचेंज है दोस्तों, और इसकी भी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इसकी ट्रेडिंग वैल्यू बहुत बड़ी है। तो गाइज यहाँ पे हम आपको क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक समझिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुबह 6 बजे क्या होने वाला है? देखो UTC टाइम के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड UTC के हिसाब से अपने इंडिया में, जैसे कि मैंने बताया था कि सुबह 6 बजे अपना कोर डाओ फुल लॉन्च हो जाएगा और आपको ऑफिशियल प्राइस देखने को मिल सकता है। मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, जस्ट आज ही भाई 5 घंटा पहले मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है? तो आप लोग वीडियो देख भी लेना, ठीक है, मज़ा आपको आएगा। तो यहाँ पर देखो बात क्या है कि कोर डाओ का जो सुबह का 5-6 बजे का टाइमिंग था, मैंने बताया था 6 बजे लिस्ट होगा, मैंने बताया था। और दोस्तों मैंने CoinW एक्सचेंज को तो बताया ही नहीं, CoinW भी यहाँ पे इसको लिस्ट करने जा रहा है अपने कोर डाओ भैया को। तो भैया ट्रेड वैल्यू आप देख सकते हो कि UTC के हिसाब से इन्होंने 6 बजे, इनका भी UTC टाइम है, और UTC के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में 11 बजे है। मतलब UTC एक टाइम है अपने वर्ल्ड वाइड, UTC के हिसाब से क्रिप्टो आई है तो क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड है, ये नहीं क्रिप्टो सिर्फ एक ही कंट्री में चलेगा। तो UTC टाइम के हिसाब से अपना 6 बजे, आप देख सकते हो यहाँ पे 17 तारीख, ये आप देख लो टाइमिंग डेट देख लो, आज कौन सा डेट है, 16 है, तो आपको पता है आज 16 है, तो कल 6 बजे सुबह 6 बजे यानी कि UTC के हिसाब से हम लोग की इंडिया में कब बजे आएगा, 11 बजे, 5 घंटा लेट है अपने इंडिया में। तो भैया यहाँ पे 11 बजे कल दिन में अपना टाइमिंग पे ही आ जाएगा, यानी कि फुल्ली लॉन्चिंग हो जाएगा अपना कोर डाओ भैया। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि कोर डाओ भैया यहाँ पे सुबह 11 बजे लिस्ट हो रहे हैं, वो भी प्राइस के साथ। जी हाँ दोस्तों, कोर डाओ प्राइस के साथ लिस्ट हो रहा है, तो सोचिए कितना मज़ा आने वाला है गाइज। और यहाँ पे प्राइस क्या होगी ये भी तो सुन लीजिए, क्योंकि भाई प्राइस सुनने के लिए तो बहुत सारे लोग बेताब हैं, बिल्कुल पागल हैं, परेशान हैं, एकदम घबराए हुए हैं, दिल पे पत्थर रखे सोच रहे हैं क्या होगी प्राइस। चलो यार कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ प्राइस क्या होगी। देखो एक्चुअल में मैं करेंट प्राइस नहीं बताऊँगा, लेकिन जो बताऊँगा उसी के बीच में ही प्राइस होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो मैंने अपने चैनल पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे डाला था कम्युनिटी, यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसमें जो एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे देखा था कि हाउ मेनी लॉन्चिंग प्राइस ऑफ कोर डाओ, तो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25% $1 से लेकर के $10 की प्राइस है, और 100 से लेकर के $500 के बीच में 61% लोगों ने वोटिंग किया है, और 1 से $10 के बीच में लोगों ने 25% का वोटिंग किया है, बाकी बीच में भाड़ में जाए। बीच वाले भैया आप देख सकते हैं कितना कम परसेंट वोटिंग है।
तो यहाँ पे जिसको मतलब प्राइस के कोटाओं के बारे में, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, तो उन लोग क्या किए हैं कि अपने मन का जो मन में आया वो यहाँ पे वोटिंग कर दिया है भैया कि हमको तो $100 से लेकर के $500 चाहिए। तो वो लोग इसमें आगे घुस गए हैं भैया, एंट्री कर गए हैं। तो भैया ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा नंबर आप लोगों ने डाल दिया है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्रिप्टो करेंसी का लॉन्चिंग के बाद उसकी प्राइस $100 आ जाए या फिर $500 आ जाए। देखो अपना कोडाओ भैया 2.1 बिलियन का टोटल सप्लाई आप सबको पता, उसमें से भी 25% आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा और 75% 2 ईयर्स के लिए होल्डिंग किया जाएगा। 2 साल तक यहाँ पे आपका जो कोडाओ रहेगा 75% होल्ड पे रहेगा, तो 25% आपका क्या होगा, यानी कि 75% जो कोडाओ आपका होल्डिंग पे रहेगा उसमें से आपका मंथली वाइज रिलीज होगा। देखो मंथली वाइज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि हाँ क्या होता है, रिलीज क्या होता है आप जानते होंगे। तो मंथली मंथली आपको कुछ ना कुछ उसमें से कोडाओ, मतलब 24 महीना आप एक कैलकुलेशन कर लेना कि आपका 24 महीने मतलब कि उसमें अगर आपके पास मान लो कि अगर 10,000 कोडाओ है, ठीक है, यानी 10,000 छोड़ो, आपके पास एक प्रकार से 24 कोडाओ है, ठीक है, तो आपके पास 75% में 24 कोडाओ है, तो आपको एक एक कोडाओ हर महीने मिलेगा, ये हिसाब लगा लो, ठीक है। होल्डिंग का ये सिस्टम है, आपका होल्डिंग किया जाएगा 75% और उसके बाद अगर आपके पास कोडाओ है तो आपको स्टेक भी करना है, क्योंकि भाई देखो स्टेकिंग नहीं करेंगे तो हम कोडाओ के प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कोडाओ है वो आपको स्टेक करने के लिए सीरियसली बोला है, तो आपको स्टेक करना चाहिए, अपने वैलिडेटर के साथ जुड़ना चाहिए। तो गाइज मैं आपको इतना बता दूं यहाँ पे क्या चीजें होने वाली हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। तो गाइज यहाँ पे कोडाओ की प्राइस की बात किया जाए तो कोडाओ जैसे कि मैंने बताया था कि 25% ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको विड्रॉ करने का मौका मिलेगा 25%। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ये मेटामास्क से जो कि इसको अटैच कर रहे हैं तो इसका क्या फंडा है, जबकि बहुत सारे एक्सचेंज आ रहे हैं तो उस पर तो हम ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, तो हम मेटामास्क से इसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। तो भैया मैं आपको बता दूँ मेटामास्क से कनेक्ट करने का सिस्टम क्या है। देखिए आपके पास 2, 4, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, लेकिन भाई आज के डेट में ऐसे लोग होंगे जैसे मैं ही है, फॉर एग्जांपल मेरा ले लो, मेरे पास 27,000 से ज़्यादा कोडाओ है, तो क्या मैं एक ही एक्सचेंज पे 2 एक्सचेंज पे डायरेक्टली जाकर ट्रांसफ़र कर दूंगा? नहीं, अपना मेन वॉलेट जहाँ पे सिक्योर रहेगा, अपना फुल्ली सिक्योरिटी के साथ हम अपना कोडाओ को रखेंगे, जहाँ पे कोई हैकिंग कुछ भी हमारे साथ ना हो के कोडाओ के साथ, तो एक सिक्योर वॉलेट कहाँ है, अपना मेटामास्क, जिसमें हम लोग अपने सिक्योरिटी के साथ अपने कोडाओ को सिक्योर रख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी छेड़खानी, कोई भी यहाँ पे हैकिंग नहीं हो सकती है, कोई भी चोरी नहीं हो सकती है, इसीलिए कोडाओ के साथ ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने कॉइन को पहले वॉलेट में ले जाओ, उसके बाद वॉलेट से आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकते हो एड्रेस के थ्रू, ठीक। आप इतना समझ गए होंगे, आप हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा एक्चुअल में, पूरा फुल वीडियो उसको आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में प्राइस की बात करें, देखो यहाँ पे 25% के हिसाब से मैं आपको इतना बता दूँ कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी इतना बड़ा अमाउंट लेके नहीं आता है, स्टार्टिंग में इसकी प्राइस बहुत ही कम होगी, $1 से लेकर के $10 के बीच में इसकी प्राइस होगी गाइस, ये मैं आपको बता सकता हूँ। जी हाँ, $10 बोला हूँ, तो $10 से $20 भी हो सकता है, $20 से प्राइस ज़्यादा हो, ये बहुत ही कम चांस है दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ कि $1 से लेकर के 10 या फिर 10 से लेकर के 20 के बीच में इसकी प्राइस कोडाओ की हो सकती है। तो दोस्तों अब बात आती है कि भाई जब इतनी कम प्राइस होगी तो आप क्या होगा, तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, $1 से लेकर के $10, $20 बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर एक कोडाओ कीमत देखा जाए अगर $10 के हिसाब से तो 800-900 रुपये होता है, तो वो सब छोड़ो, अब बात करते हैं कि प्राइस कब इंक्रीज होगी। तो देखो मार्केट में जैसे 75% कोडाओ अभी होल्डिंग पे रहेगा तो रिलीज होगा मंथली वाइज, तो रिलीज तो होगा ही ना, तो यहाँ पे कोडाओ लॉन्च होने के बाद क्या होगा, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग ट्रेडिंग कर पाओगे 11 बजे के बाद, ठीक है, आप लोग विड्रॉ भी कर पाओगे, ट्रेडिंग भी कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, सब आपका कल से काम सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस करना क्या है कि मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ क्या करना है, तो जहाँ से आप विड्रॉ करोगे वहाँ पे आपका हर महीने कोडाओ रिलीज होगा, वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट में, तो आपको हर महीने कोडाओ यहाँ पे रिलीज करके देगा, हर महीने आपको मिलेगा, अपने वॉलेट में ट्रांसफर करो मेटामास्क से, उसके बाद आप एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये चीज़ है दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को शेयर करना है, बताना है कोडाओ के बारे में, अभी तो बहुत कुछ बताना है दोस्तों, एक राज है जो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। दोस्तों आप लोग सीरियस होके वीडियो को देखा करिए यार, चैनल पर देखा करिए, विजिट किया करिए कि क्या अपडेट क्या आया क्या नहीं आया।
सो गाइज मैं इतना बता दूं, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा खासा गाइज यहाँ पैसा मिला, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23,000 है और टोटल जो अर्निंग है 31,600 हो चुका है। आज की जो अर्निंग है वो 2489 हो चुका है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट यहाँ मिल रहा है लाइफ टाइम अर्निंग में। आप लोगों को सिर्फ 250 लगा करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो कमाना चाहते हो तो, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को कल के वीडियो में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कोडाओ के बारे में, जो कि आप लोगों को अभी तक किसी को नहीं पता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।